डियरेस्ट पेरेंट वेलकम यू ऑल, स्वागत है आप सभी लोगों का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन वीडियो में। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं हमारे टेस्ट सीरीज 4 का। यहाँ पे हम एनालिसिस तो करेंगे डिटेल में, बट सॉल्यूशन डिटेल में नहीं करने वाले हैं, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है। आज है 24 जुलाई और 25 को आपका है एग्ज़ाम। ऑलरेडी इसकी PDF जिन लोगों को नहीं पता है, इस पूरे टेस्ट सीरीज के जितने भी क्वेश्चंस हैं आंसर के साथ इसकी PDF मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है। जो इसके पहले की टेस्ट सीरीज हैं 1, 2, 3 जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज हैं उनकी PDF मैंने शेयर कर दिया है। होप शो कि आपने वो देख लिया होगा। अगर आप नहीं देखे हो तो एक बार टेलीग्राम जो चैनल है उसकी फाइल देख लें। एक बात यहाँ पे और मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वो है कुछ ऑब्जर्वेशन मेरे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लेके। जितना भी टेस्ट सीरीज मैंने लिया है उसमें मैंने अक्सर देखा है कि जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसमें आपसे गलती होती है। आप क्या गलती करते हो उसको हम डिस्कस करेंगे। पर सबसे पहले बात करते हैं रैंकर की। तो ये रैंकर हैं, काफ़ी अच्छा स्कोर है इन लोगों का। ये है आउट ऑफ 250, बट हाँ यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड नहीं है। आप अपने मर्जी से जितने आपने क्वेश्चन गलत किए होंगे उसका नेगेटिव मार्किंग कर लेना। फीमेल कैंडिडेट बहुत कम लोगों ने टेस्ट दिया था, कुछ 4 लोगों ने दिया था। 3 लोगों के मार्क्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। बाकी ये है आपका जेंडर का स्टैटिक्स, ये कैटेगरी की स्टैटिक्स है, और ये है आपके प्रिपरेशन वाले स्टैटिक्स। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि वो केवल RTO एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। भैया बाकी का भी कर लो, RTO का ही क्यों करना, क्यों पीछे पड़े हुए RTO के। अब दूसरे एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आ गए, उन पे भी थोड़ा सा ध्यान दे लो आप। बाकी अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज मार्किंग है आपकी 140, तो आपके मार्क्स इससे तो ज़्यादा होने ही चाहिए। किसी भी हालत में इससे कम आपने स्कोर किया है तो आपको एक बार सोचने की ज़रूरत है। आपकी जो स्ट्रेटजी है, जो पढ़ाई का तरीका है, उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। जो आप टाइम जितना टाइम देते हो पढ़ाई पे उसको भी रिव्यू करने की ज़रूरत है। तो आप ज़रूर करिएगा, एवरेज से आपको तो ऊपर ही रहना है। सिलेक्शन के लिए तो एवरेज से ऊपर नहीं, एवरेज से काफ़ी आगे रहना पड़ेगा आपको। खैर ये एक वीडियो है, यहाँ से आपको ऑन एन एवरेज अपनी रैंक पता चल सकती है कि किस रेंज में कितने सारे लोग हैं। बेसिकली ये 2020 का आप देख रहे होगे रेंज बनाया हुआ है, उस रेंज में कितने लोग हैं इस वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया है। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं PDF शेयर करता हूँ। इससे पहले वाले टेस्ट सीरीज, अभी के टेस्ट सीरीज सबकी PDF आपको यहीं पे मिलेगी। ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सारे प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब कुछ ऑब्जर्वेशन की बात कर लेते हैं जो मैं आपसे बता रहा था। एजुकेटिंग टुडे फॉर बेटर टुमारो। और ये जो क्वेश्चन है ये आपसे क्यों गलत हो गया, मुझे लगता है कि आप लोगों ने क्वेश्चन को रीड नहीं किया और माइंड पे थोड़ा भी लोड नहीं दिए, बस सोच लिए कि चलिए ये होता है और जो तुक्का वाली फैसिलिटी है उसको आप लोगों ने यहाँ पे लगा दिया। तुक्का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रेशियो देखो आप, काफ़ी सारे लोगों ने इसको किया है, काफ़ी सारे लोगों ने इसको किया है, मतलब जो मन में आया आपने उसको टिक मार्क कर दिया बिना किसी लॉजिक के। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं आपके एग्ज़ाम में। ये सिंपल है, स्टडी फ्लो कह रहा है, मतलब फ्लूड प्रॉपर्टी, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे मेंशन किया गया स्टडी फ्लो है और कांस्टेंट डायमीटर है। अब चूंकि जो ऑप्शन है वो किस पे इंडिकेट कर रहा है कि थर्मोडायनेमिक का क्वेश्चन है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा दो यहाँ पे। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आप सभी को पता है, H1+V1² / 2+GZ1+Q=, सेम पैरामीटर इधर लिख दो 2 के साथ, तो H2+V2² / 2+GZ2+W आ जाएगा यहाँ पे। क्योंकि हम कोई वर्क परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कोई हीट एडिशन नहीं हो रहा है, इंसुलेटेड है, तो ये सारी चीज़ जीरो हो जाएंगी। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है इसलिए ये भी जीरो हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एलिवेशन कुछ भी मेंशन नहीं है तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो सारी चीज़ें जीरो हो गई तो क्या हो जाएगा, H1=H2 हो जाएगा, मतलब इन्थैल्पी रिमेन कांस्टेंट। कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी, अभी आपने कहा कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, मेरे भाई जो आपने पढ़ा है ना कि इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, दैट इज ओनली वैलिड फॉर द आइडियल गैस। तो जब तक मेंशन ना रहे ना, अपने मर्जी से हर जगह वही थियरी नहीं लगा देना है। सेकेंड जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किसी भी हालत में गलत नहीं होना चाहिए, या तो सही होना चाहिए या तो आपको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। इसमें क्यों तुक्का लगाना भाई, मतलब यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि 2/3 मेंशन है, अच्छा कहीं पे 3 से डिवाइड करते हैं ना तो कुछ 0.3333 ऐसा कुछ आता है, तो चलो ये वाला सही कर देते हैं। मतलब इस तरीके का लॉजिक लगाओगे क्या आप लोग? सिंपल क्वेश्चन था, या तो आप सॉल्व कर लेते या तो आप नहीं करने वाले हो तो इसको छोड़ देते, नेगेटिव मार्क्स क्यों लेना।
क्वेश्चन में कहा गया है कि जो वर्क है दैट इज 2/3 ऑफ हीट रिजेक्शन, मतलब Q2, ये वाला डायग्राम आप बना लेते हो इंजन के लिए, यही वाला तो होता है, मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ये Q1 होता है, ये Q2 होता है, दिस इज T1 एंड दिस इज T2 और यहाँ पे वर्क हो रहा है। तो इन्होंने कहा है कि वर्क इज 2/3 ऑफ Q2, यही तो कहा है कि जितना हीट सिंक को ट्रांसफर हो रही, तो सिंक तो आपका यही है लोअर टेम्परेचर वाला, उसका 2/3 है, सॉरी 2/2 नहीं 2/3 है। तो आपको वर्क का पता है रिलेशन, एफिशिएंसी आपसे पूछ रहा है, एफिशिएंसी क्या होता है W/Q1 होता है, वर्क इज इक्वल टू आपको दिया गया है तो 2/3 ये क्या हो जाएगा Q2/Q1। अब आपको क्या करना है भाई, Q2/Q1 का रेशियो फाइंड आउट कर लेना है यार, कैसे भी फाइंड आउट कर लोगे, रिलेशन दिया है वर्क इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा Q1-Q2 और इसकी वैल्यू दिया है किसके बराबर होगा 2/3 Q2 के। इसको आप सॉल्व कर लोगे, जब दोनों को सॉल्व करोगे, वेरी सिंपल यार, इसको इधर ले आना, दोनों को ऐड कर देना, जब दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको रेशियो मिल जाएगा Q2/Q1 = 3/5। 3/5 आपको पता चल गया, यहाँ पे 3/5 सब्स्टिट्यूट कर दो, 2/3 3/5 कैंसिल आउट हो जाएगा 2/5, वैल्यू कितना आ गई 0.4, कितना परसेंट आ जाएगा 40%। या तो ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए था या तो नहीं बनना चाहिए था, इसमें आपको न्यूमेरिकल में देख के आपको तुक्का नहीं लगाना है। और ये मैं यही इसी ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा था कि जितना मैंने न्यूमेरिकल डाला है, चाहे इस टेस्ट सीरीज की बात करूं चाहे इससे पहले वाले टेस्ट सीरीज की बात करूं, आप लोगों ने रिपीटिवली वही गलती किया है कि न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस में भी अपना वो लॉजिक लगा दिया, पता नहीं कौन सा तुक्का वाला, और तुक्का लगा दिया आप लोगों ने। देखिए कितने सारे लोगों ने इसको सही किया है, 170 लोगों ने, मतलब इस तरीके का काम करोगे क्या आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। हाँ, ये क्वेश्चन में मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा बहुत मिस्टेक के चांसेज हैं। एनर्जी कंजर्वेशन आपको लगाना था इसमें। देखिए ये आपकी कोई स्प्रिंग है और इस पर क्या हुआ, कोई वेट गिर रहा है, ठीक है। अब यहाँ तक तो आप लोगों ने सही किया है कि ये दिया है आपको 10 सेंटीमीटर हाई से ड्रॉप करते हैं और यहाँ पर मान लेते हैं डिफ्लेक्शन हमने ले लिया एक्स, तो जो जितना ये नीचे डिफ्लेक्ट करेगा तो ये वाला एक्स जो स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन होगा ये भी पोटेंशियल एनर्जी में ऐड हो जाएगा। तो सिंपल हमको क्या करना है, mgh+x = 1/2 kx² ये कर लेना है। हाँ, मुझे पता है कि आप लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ पे x कंसीडर नहीं किया होगा जिसके वजह से आप लोगों की गलती हुई है। मतलब सिंपल है कि यहाँ पे हमारे ब्लॉक के पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी वही पोटेंशियल एनर्जी हमारे स्प्रिंग के एनर्जी में कन्वर्ट हुई होगी, तो हमने क्या किया, दोनों के इक्वेट कर दिया, सारा चीज़ हमको यहाँ पे पता है, केवल x की वैल्यू नहीं पता है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसको आप सॉल्व कर लोगे, वैल्यू अराउंड टू अराउंड आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, या तो आपसे बनने चाहिए या तो नहीं बनने चाहिए, इसके अलावा उसमें थर्ड कोई ऑप्शन नहीं है। तो प्लीज़ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आप तुक्का लगाना बंद करें। कई बार क्या होता है कि आप लोग पढ़े रहते हो तो एक बार वेरीफाई कर लें कि डाटा सेम है या नहीं, अगर आप याद करके गए हो कि इस टाइप का क्वेश्चन मैं पढ़ा था उसमें यही आंसर है, तो एक बार चेक कर लें कि डाटा वही है या चेंज है, सीधा टिक मार्क नहीं करें। बहुत बार क्या होता है डाटा चेंज कर देते हैं लोग, वैसे चांसेज होता है कि सेम डाटा दे देते हैं बट कई बार चेंज होता है, तो आप याद अगर कर रहे हैं तो थोड़ा डाटा भी याद करके रखें। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। और एक रिक्वेस्ट है कि एग्जाम में जब आप बैठे हों उस टाइम पे कुछ भी ना सोचें, कोई भी फालतू जो थॉट्स होते हैं अपने दिमाग में ना आने दें, केवल और केवल पेपर पर कॉन्सेंट्रेट करें। और इसके लिए आपको अपने माइंड को पहले से आइसोलेट करना पड़ेगा कि बाकी चीज़ें आपके दिमाग में आए ही ना, जब आएंगी नहीं तो घूमेंगी नहीं। इसलिए इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको कहा था कि 2 दिन पहले से, 1 दिन पहले से आप कोशिश करें कि किसी से एग्ज़ाम के बारे में, उसके प्रिपरेशन के बारे में, सिलेबस के बारे में डिस्कशन ना करें, नहीं तो फालतू में प्रेशर आएगा आपके माइंड के ऊपर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।